हेलो दोस्तों, आप लोग आज हम दिखाएंगे अल्टो गाड़ी है। अल्टो गाड़ी में गियर लगने में प्रॉब्लम हो गया, रास्ते में चलते चलते अचानक मतलब कोई भी गियर नहीं लगने लगा, लीवर ढीला हो गया गियर का लीवर। और प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे हुआ दिखलाते हैं। लाओ इधर, ये लीवर है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। अब इसमें क्या है इधर दिखाओ, ये शिफ्टर है, इसको कहते हैं गियर शिफ्टर। ये रॉड यहाँ से टूट गया है, या तो रास्ते में चोट लगा हो पत्थर वगैरह से, या झटका उटका लगा हो तो यहाँ से ये टूट गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रड को चेंज करेंगे, इस रड को नया लगाएंगे। यहाँ से खुल के ये लग जाता है। अब इसके लिए हम लोग क्या किया, गियर बॉक्स को नहीं खोले। अगर गियर बॉक्स खोलते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता, लगभग दिन भर लग जाता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में काम करना चाहते हैं, और काम करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन खुल जाता है। लाओ दिखाओ कहाँ से खुला है, ये यहाँ से इसको खोल के हाथ डाल के खोलते हैं। और फिर ये इधर बॉकेट है, इस बॉकेट से रड अंदर जाएगा, तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगा लेकिन खुल जाएगा। अब जैक उठा के लिफ्ट करेंगे और आराम से खुल जाएगा। फिर यहाँ ऊपर से खोलना, इसको ये वाला खोलेंगे और ये लंबा वाला शिफ्टर बाहर करेंगे, इस शिफ्टर को बाहर कर लेंगे हम लोग, तभी खुलेगा, है ना। तो इस तरह से खुल के आराम से लगभग आधे घंटे के अंदर ये काम हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, अगर रास्ते में गियर ना लगे अल्टो का या वैगन आर का, अचानक लूज हो जाए, तो ये वाला ये रॉड 90% चांस है ये रॉड टूटने का, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग को मालूम हो जाएगा कि हो सकता है ये रॉड टूटा हो और आप काम करा सकते हैं।